हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। और बेंगलोर में आई हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। अभी एक नया वीडियो भी कुछ मैंने ब्लॉग किया नहीं है, तो मैंने सोचा एक नया वीडियो बनाऊंगी और आपके सामने में लाऊंगी। तो आज गुरुवार का दिन है, साईं बाबा का दिन है। मैंने सोचा जल्दी उठ के अपना नित्य कार्य कर लूँगी, पूजा भी कर लूँगी और अच्छा एक उड़ीसा का एक अच्छा रेसिपी आपके सामने में लाऊँगी। आज का रेसिपी बनाऊँगी वो है काकरा पिठा। ये फेमस रेसिपी है, उड़ीसा का है और बहुत अच्छा है। मैं नहा के आ गई और रेडी हो रही हूँ अभी। घर का सब कुछ तो काम करना पड़ता है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो रेडी हो गई हूँ और अभी घर का पूजा भी करना है, थोड़ा पूजा कर लूँगी, भगवान के पास पूजा कर लूँगी, फिर मैं रेसिपी अपना स्टार्ट करूँगी। धीरे धीरे अपना रेडी हो गई मैंने और अभी पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। पूजा कर रही हूँ, अभी भगवान के पास फूल चढ़ा रही हूँ और धीरे धीरे मेरा पूजा भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो पहला काम ये सब तो करना पड़ेगा, फिर अपना रेसिपी मैं स्टार्ट करूँगी। फूल चढ़ा लिया मैंने भगवान को, चल रहा है मेरा, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। जल्दी जल्दी पूजा कर लिया मैंने और पूजा का जो सामग्री है वो भी उसको रेडी करना है मुझे, इसीलिए पूजा का ख़त्म कर लिया मैंने और अभी स्टार्ट करेंगे काकरा पिठा। छोटा सा घर है हमारा, बहुत छोटा सा घर है और छोटा सा घर में भगवान भी रख दिया है मैंने थोड़ी जगह में और पूजा कर लिया मैंने। जल्दी जल्दी में सब कुछ ख़त्म करना पड़ा, फिर काम में लगना पड़ेगा, फिर इसीलिए मैंने ख़त्म कर लिया पूजा। अभी स्टार्ट करेंगे फिर अभी का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपना चैनल लाइफस्टाइल लीना में आप सभी को स्वागत करती हूँ। मैं तो उड़ीसा की हूँ, तो मैं सोच रही थी एक उड़ीसा का एक अच्छा रेसिपी बनाऊंगी। उड़ीसा का फेमस रेसिपी है ये काकरा पिठा, बस मैं वही आज बनाऊंगी काकरा पिठा और भगवान को भोग भी लगाऊंगी। तो मैंने सोचा वही पिठा बनाऊंगी। मैंने सोचा आज गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार है, तो एक्चुअली श्री साईं बाबा का आज त्यौहार है, तो मैं सोच रही थी आज काकरा पिठा बनाऊंगी और उनके पास भोग लगाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा उड़ीसा का फेमस रेसिपी काकरा पिठा। ओके, चलिए। हमारा ये उड़ीसा का काकरा पिठा जो है फेमस रेसिपी, वो रेसिपी हर घर में जानते हैं, बनाते हैं और हमारे हर फेस्टिवल में, हमारा फेस्टिवल में जो पूजा होता है तो उसी में हम ये काकरा पिठा बना के भगवान को भोग लगाते हैं। और जगन्नाथ धाम पुरी, वहाँ पे भी जगन्नाथ के पास में भी, भगवान जगन्नाथ के पास में भी यही काकरा पिठा भोग लगाया जाता है उनके पास। तो ये तो बहुत अच्छा ही रेसिपी है, तो हम सोचे यही बनाएंगे आपको और दिखाएंगे कि उड़ीसा में कैसे काकरा पिठा बनाया जाता है
और कैसे 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 बनाया जाता है और इसका टेस्ट कैसा है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और ठीक है, हम चलते हैं, शुरू करते हैं ककरा पिठा। तो उसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए देखिए। देखिए ककरा पिठा के लिए हमको लेना है सूजी, सूजी हाफ किलो लिए हैं मैंने, और एक नारियल और चीनी और इलायची और तेल भी लगेगा, तेल भी ले लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा फेमस रेसिपी ककरा पिठा। कटोरी लेंगे हम, गैस चलाएंगे, सूजी डाली भाग दे। अभी ये सूजी हम थोड़ा सा गैस में थोड़ा चढ़ाएंगे, थोड़ा 2 मिनट के लिए। गैस गरम हो गया, फिर हम ये सूजी गरम करेंगे थोड़ा। हो रहा है हमारा, हो गया। 2 मिनट के लिए हम सूजी को रखेंगे चूल्हा पे, फिर ले लेंगे नीचे। लेंगे पानी, हम सूजी लेंगे उतना हम डबल पानी लेंगे, माप के हिसाब से ले लेंगे, तो पिठा का करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो हम लोग सूजी जितना लिए हैं उससे डबल हम पानी ले लेंगे, आसान रहेगा, सब कोई भी कर पाएंगे ये पिठा। चलिए पानी ले लिए हम लोग, देखिए मैंने नमक ले लिया, नमक थोड़ा सा डाल दिया। फिर अभी हम चीनी डालेंगे पानी में, पानी गर्म हो गया, इसमें चीनी और नमक दोनों डाल दिया मैंने, और अभी वो उबाल आ गया है पानी में, तो फिर हम ये सूजी इसमें डाल देंगे। देखिए अब हो गया है हमारा जंतुनी रेडी हो गया। इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ा आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। रेडी हो गया, चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और इसको हम आधे घंटे के लिए पूरा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। इस आधे घंटे में हम नारियल लेंगे, और नारियल का जो भीतर में हम जो फूल देंगे, मतलब नारियल में कोई सब तैयारी करेंगे। ठीक है, हम आधे घंटे बाद फिर इसको निकालेंगे ठंडा होने के। में भी हम निकाल सकते हैं नारियल को, देखिए नारियल को हो गया, मैंने निकाल लिया। अब गैस गरम करेंगे, हम थोड़ा घी डालेंगे, फिर नारियल डालेंगे। अभी यहाँ पे चीनी डालेंगे नारियल में, देखिए यहाँ पे इलायची मैंने लिया था, वो इलायची को डाल दिया, इलायची और काजू किशमिश सब डाल दिया, बस हो गया। अभी ये देखिए नारियल का फूल, देखिए अभी
सूजी पीठा हो रहा है, बनाया जा रहा है, कैसे उसको दिया जाता है सूजी जो जंतु नहीं था उसमें नारियल गोल गोल करना पड़ता है। तेल में डालेंगे, तेल डाल दिया मैंने, पीठा रेडी हो गया है। देखिए अभी तेल में डालेंगे, अभी ब्राउन कलर हो गया, निकाल लेंगे, हो गया है पीठा। देखिए हो गया है हमारा काकरा पीठा, रेडी हो गया हमारा काकरा पीठा, देखिए कितना सुंदर है और बहुत अच्छा रेसिपी है और इजी भी है, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक बार जरूर ट्राई करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और जो लोग नए हैं और इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, उड़ीसा का फेमस रेसिपी है ये और ककड़ा पीठा है ये, और जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ धाम में वहाँ पे भी मंदिर में भी ये भोग लगता है, तो मैंने आज घर में बनाया है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप भी रेसिपी ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही ब्लॉग, और मैं फिर मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।